सर रीट लेवल टू रिवाइज परिणाम की जानकारी कब तो इसकी रीट लेवल टू के जो परिणाम जारी करने थे आफ्टर जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उसके आधार के ऊपर, वो आज से जारी करने हमारा प्लान था। और हमने बोर्ड मीटिंग भी आज की थी और इसी दौरान मुझे बताया गया क्योंकि इसमें आचार संहिता लागू हो चुकी है तो बेहतर होगा इसके बारे में क्लैरिफिकेशन लें। तो मेरी बात हुई थी फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और उन्होंने यही हिदायत दी कि ये बेहतर होगा कि हम लोग इसकी फॉर्मल परमिशन के लिए अप्लाई करें और फिर ये इलेक्शन कमीशन से इसकी परमिशन आएगी, उसके बाद ही इन परिणामों को जारी करना उचित रहेगा। नहीं तो अन्यथा इसमें कोई भी इशू होगा तो फिर वो कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो इसी के चलते फिर हम अभी इसके लिए अप्लाई करेंगे और फिर परमिशन लेने के बाद में फिर इसके रिजल्ट्स को निकालना शुरू करेंगे। कब तक इसकी परमिशन ले ली जाएगी? तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वीक में अप्लाई कर देंगे परमिशन के लिए। और ये कहना बिल्कुल अनुचित होगा मेरे लिए कि कब परमिशन मिलेगी क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है, पर हमारा प्रयास होगा जितना जल्दी हो सके परमिशन लेके हम इसके परिणाम को निकालना शुरू करें। आपके द्वारा पहले बताया गया था कि आज से इसके परिणाम शुरू हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे मेरा तो मन में था, हम तो बिल्कुल निकालने वाले भी थे, लेकिन उसी समय मेरी बात हुई थी और जब किसी ने बताया कि साहब ये अपन बेहतर होगा अपन चेक कर लें और अपन ऐसा कोई ना करें कदम उठा लें जिससे कि फिर बाद में हमको फिर पछताना पड़े, तो मीटिंग के दौरान ही मेरी बात हुई फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और फिर उन्होंने यही हिदायत दी कि ये बेहतर होगा कि हम इसको फॉर्मल परमिशन लेकर ही आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम उनकी हिदायत को मानते हैं और समझते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हमारी जो प्रक्रिया वो जारी है, जो हमारे रिजल्ट्स बनाने की प्रक्रिया वो जारी है, तो हम कार्रवाई करते रहेंगे बैकग्राउंड में, जैसी परमिशन मिलेगी जितने तैयार होंगे रिजल्ट सबको निकाल देंगे। रिवाइज परिणाम के चलते कई शिक्षकों को चिंता सता रही है कि वो कहीं इस भर्ती से बाहर नहीं हो जाए, उनके लिए क्या प्रयास किए गए? मैंने पहले ही बताया था कि प्रयास किए हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, शिक्षा मंत्री जी से मिला था और उनको अवगत कराया था कि अभी जो परीक्षाएं के परिणाम निकलेंगे उससे असर पड़ेगा कुछ अभ्यर्थी जो कि ऑलरेडी नौकरी में हैं, और इसके लिए मैंने रिकमेंड किया था कि कुछ शेडो पदों के लिए कुछ सोचा जाए और कुछ तरक्की बनाई जाए ताकि उन अभ्यर्थियों को, उन एम्प्लॉयज़ को जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, चयनित परीक्षार्थी हैं, उनको परेशानी ना हो। तो उसके बारे में वो विचार कर रहे हैं, गंभीरता से इसको सब्जेक्ट को लिया है मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने, और मुझे उम्मीद है कि वो शेडो पद के बारे में सोचेंगे और इससे उन अभ्यर्थी जो कि ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको तकलीफ ना होगी। सर कोई अनुमानित संख्या है कितने अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं कितने अंदर? वो बताना बिल्कुल अनुचित होगा, एक बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है और मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब हम एक रिजल्ट को प्रोसेस करके निकालते हैं तो जैसे हमने एक रिजल्ट आज निकालने वाले थे और उसका मुझे पता है कितना, लेकिन वो बेहतर होगा कि हम उसको बताएं जबकि वो हम उसको डिक्लेयर करें, तो ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उनको बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो वक्त आने पर उनको बताया जाएगा। कितने क्वेश्चन चेंज हो गए उसके बारे? वो भी बताना उचित नहीं होगा, पर लगभग 18 से 20 प्रश्नों के ऊपर अलग अलग असर है, किसी में डिलीशन का, किसी में चेंज ऑफ आंसर का, तो सभी सब्जेक्ट का मिला के, ऑल सब्जेक्ट मिलाकर इतना है, तो वो भी एक नंबर अच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं प्रार्थना करूँगा कम से कम असर पड़े जो बच्चे ऑलरेडी लगे हुए हैं ताकि कम से कम बच्चों को ऐसी पीड़ा झेलनी पड़े। अगर आचार संहिता के चलते परमिशन मिल जाती है तो इसके अंदर आप परिणाम जारी कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यदि परमिशन मिल जाती है तो हम जारी करेंगे। जैसे मैंने बताया एक रिजल्ट तैयार था, हम निकालने वाले थे, बस उसको फिर हमने प्रोसेस आगे नहीं किया क्योंकि हमको परमिशन नहीं मिली, लेकिन हम दूसरी जो अब दूसरा वाला रिजल्ट उसको प्रोसेस करेंगे, तैयारी करके रखेंगे और जैसे ही हमको ये परमिशन मिल जाती है हम बोर्ड मीटिंग करके उनको निकालेंगे रिजल्ट्स को।